विदिशा में निजी स्कूल की बड़ी लापरवाही, जानबूझकर के 8 बच्चों को रखा परीक्षा से वंचित। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज़। के लिए परसों के दिन पेपर था 5वीं का, हमने प्रवेश पत्र जारी से मना कर दिया। विदिशा जिले के पठारी नगर के एक निजी स्कूल के संचालक ने जानबूझकर के 8 बच्चों को कक्षा 5वीं और 8वीं की मुख्य परीक्षा से वंचित रखा, जिसकी खबर प्रमुखता के साथ प्रकाशित की गई थी। खबर का असर होते ही जिला, ब्लॉक और संकुल स्तर की संयुक्त टीम ने जांच की। ये जो वार्षिक परीक्षा कक्षा 5वीं एवं 8वीं की हो रही है, तो कल ऐसी शिकायत प्राप्त हुई थी कि करीब 6 बच्चे 5वीं के और 2 बच्चे 8वीं के, उनको प्रवेश पत्र जारी नहीं किया गया और परीक्षा नहीं बढ़ाया गया। जब यहाँ पर ये जाँच की गई तो ये मालूम चला कि ये सभी बच्चे 6 जो कक्षा 5वीं में 5वीं से वंचित रह गए हैं, ये कक्षा 6वीं में परीक्षा फल पत्र के अनुसार एनरोल होना चाहिए, क्योंकि पिछले सत्र 2021-22 में ये सभी बच्चे कक्षा 5वीं उत्तीर्ण हैं और सभी बच्चे ई ग्रेड हैं। लेकिन जब रिकॉर्ड में ये देखा गया कि उन सभी 5 बच्चों के नाम इनके छात्र उपस्थिति पंजी में कक्षा 5वीं में एनरोल्ड हैं, इनकी उपस्थिति भी भरी आ रही है पढ़ने। इसे कौन से स्कूल का मामला है सर? ये है सेंट मैरी गवर्नमेंट हाई स्कूल पठारी। स्कूल प्रबंधक पर क्या कार्रवाई होगी? अभी इसकी जांच बढ़ाई जाएगी, विभागीय जांच होगी और जांच के बाद जो भी होगा उसमें कार्रवाई की जाएगी। बच्चों का क्या होगा? बच्चों के लिए जो 6 बच्चे यहाँ पर उपस्थित हुए थे, बुलवाए थे, उनके पालकों और बच्चों की सहमति से इन बच्चों को कल परीक्षा में बैठाया जाएगा, इनके रोल नंबर जारी हो जाएंगे आज रात में। वो बच्चों का जो एक पेपर निकल गया है उसका क्या होगा? एक जो पेपर निकल गया है, जब सप्लीमेंट्री परीक्षा होगी उसमें उनको बैठाया जाएगा। जिसमें विद्यालय में अनेक अनियमितताएं उजागर हुई है, वहीं विभाग ने बच्चों को परीक्षा कराने का भी आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि शनिवार को नगर के सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल के कक्षा 5वीं और 8वीं के 8 छात्रों को परीक्षा से वंचित कर दिया गया था। यह मामला उजागर हुआ तो खबर प्रमुखता से प्रकाशित की गई। शासकीय अवकाश होने के बावजूद भी रविवार को जिला शिक्षा केंद्र के जिला परियोजना समन्वयक SP सिंह जाटव, कुरवाई BRC अनूप तिवारी, संकुल प्राचार्य डॉक्टर गौरी गोस्वामी सहित BAC गोपाल पंथी और जन शिक्षक रविंद्र साहू, संदीप यादव, रवि कांत रिक्षारिया की संयुक्त टीम, सरपंच प्रतिनिधि अखिलेश पंथी और स्कूल संचालक आदित्य वाजपेयी की मौजूदगी में स्कूल के अभिलेखों की जांच की, जिसमें कई सारी अनियमितताएं उजागर हुई है। अब देखना दिलचस्प है कि आने वाले समय में स्कूल प्रबंधन के ऊपर विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं विदिशा से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेले की रिपोर्ट। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। क्या मामला है, आप यहाँ क्यों आए? मामला इसलिए है कि सेंट मैरी मेरा बालक पढ़ता है सेंट मैरी में, तो क्या हुआ, कल परसों प्रवेश पत्र लेने के लिए हम लोग आए, हमारे बालक की परीक्षा है बोर्ड की, तो बोले कि प्रवेश पत्र नहीं मिलेगा। मैंने क्यों नहीं मिलेगा, तो ये बोले कि लगे तुम्हारा बच्चा पास हो गया है। वहाँ फिर हमने शिकवा शिकायत की तो जाँच लोग भी आए, आज ये रिजल्ट हुआ है तो तुम्हारा बच्चा पास हो गया है, वो 6वीं में है, उसकी अनुसूची 6वीं की बनाई गई है। तो हमारे बच्चे कल पेपर था इंग्लिश का, वो बोर्ड का था, तो हमारा बल बालक का नवोदय फॉर्म डाला है, इसलिए वो जांच को बोला, जांच चल रही है और भी बहुत बच्चे निकल रहे हैं। क्या नाम है आपके बालक का? फूल सिंह। कौन सी क्लास में पढ़ता है? अभी 5th पढ़ रहा है। कहाँ से आते? ग्राम भानोरा से। कब से यहाँ पे स्कूल में? 9 साल से हमारे 3 बालक हैं, इसकी पकड़ आएगी, इसमें इसलिए हम आए। लापरवाही कब उजागर हुई? लापरवाही को परसों नहीं दिया, तो हम शंका कुछ बात है, इसलिए हम कल आए थे पेपर देने, वहाँ गए थे पेपर देने के लिए, उन्हें प्रवेश नहीं मिला, सो उनको भी वापस कर दिया था स्कूल से। मेरी बालक का सेंट मेरी स्कूल में आया था प्रवेश पत्र लेने के लिए, परसों के दिन पेपर था 5वीं का, हमने प्रवेश पत्र देने से मना कर दिया, फिर हम लोगों ने कंप्लेंट की, फिर आज ये जांच आई हैगी विदिशा से। जांच में क्या हुआ था? जांच में क्या हुआ? जांच में ये हुआ कि आप ये सर बोल रहे हैं कि परीक्षा में कल बालक बैठेगा। कौन से स्कूल में पढ़ता था बालक? सेंट मैरी स्कूल में। प्रवेश पत्र क्यों नहीं दिया गया, क्या कह दिया गया? ये स्कूल की ये मतलब जांच में जो भी पाया गया होगा वो तो वही जानेंगे।